बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर टू, एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पार्ट नंबर वन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए रूट्स का सबसे पहले ए, बी और सी लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर को ए कहते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ वन है तो ए वन होगा। एक्स के साथ वाला नंबर बी के सामने लिखते हैं, यानी बी बना माइनस फाइव। जो एक्स के बगैर लिखा होता है, कांस्टेंट लिखा होता है, वो सी होता है। ए बी और सी लिखे, पहला नंबर ए, दूसरा नंबर माइनस फाइव है बी, तीसरा नंबर थ्री है सी। अब सम और प्रोडक्ट लिखेंगे रूट्स का। सम होता है माइनस बी ओवर ए, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, बी की जगह माइनस फाइव है, ए की जगह पे वन है, तो ये फाइव बना, सम फाइव बन गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करना, प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए, सी की जगह पे थ्री लिखा, ए की जगह पे वन लिखा, तो थ्री आ गया प्रोडक्ट इसका। सम और प्रोडक्ट फाइंड करना था इस पार्ट में, ए बी और सी लिख लिए पहले। सम का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी, बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, फाइव आ गया। प्रोडक्ट का फार्मूला है सी ओवर ए, सम वाले में माइनस साइन आता है और बी ओवर ए, इसमें प्लस साइन आता है और सी ओवर ए। ये पार्ट नंबर वन था। पार्ट नंबर टू करते हैं। पार्ट नंबर टू में लिखा हुआ है थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। पहले ए बी और सी लिखने हैं। पहला नंबर एक्स स्क्वेयर के साथ जो लिखा हुआ है ये ए है, एक्स के साथ वाला नंबर बी है, कॉन्स्टेंट सी है। सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, सम माइनस बी ओवर ए है, माइनस 7 ओवर ए की जगह पे 3 है, ये सम बना। प्रोडक्ट सी ओवर ए है, सी माइनस 11 है, ए 3 है, ये इसका प्रोडक्ट बना। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ़। आगे पार्ट नंबर वन है, इतनी जो बात है ये दोनों पार्ट्स के लिए है। पार्ट नंबर वन में कहा गया है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ इस इक्वेशन के इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, के इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स को एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का डबल करें तो सम ऑफ रूट्स बनता है। अब सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इधर वैल्यूज पुट करेंगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन में दी गई है। इधर सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए पहले ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होती है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर ए होता है, एक्स के साथ वाला नंबर बी होता है, कांस्टेंट 4k है, ये सी होता है। सम होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस माइनस 3 ओवर ए 2k लिखा हुआ, तो 3 ओवर 2k बना। इधर प्रोडक्ट सी ओवर ए, सी की जगह 4k लिखा, ए की जगह 2k लिखा, ये 2 बना, ए के से कटा, 2 1 2 2 2 बना। सम की जगह पे 3 ओवर 2k पुट किया, प्रोडक्ट की जगह पे 2 पुट किया, 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 4। 2k जाके मल्टीप्लाई हुआ तो बना 4 into 2k इज इक्वल टू 3। ये आ गया 3 इज इक्वल टू 8k, के इधर ही लिखा रहा, 8 आके डिवाइड हो गया, के इज इक्वल टू 3/8 वैल्यू आ गई के की। पार्ट नंबर वन में, पार्ट नंबर टू की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर टू, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन
इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कहा यह गया है कि जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई थी उसे मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया तो हमारी क्वेश्चन बन गई। अब एस और पी की वैल्यूज फाइंड करके वो पुट करनी है। सम और प्रोडक्ट इधर फाइंड करते हैं। सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ए बी और सी की वैल्यूज पता होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर ए होता है जो कि 1 है, एक्स के साथ वाला नंबर जो कि 3k-7 है, ये बी है, और कांस्टेंट 5k ये सी है। सम होता है माइनस बी ओवर ए, तो -3k-7 ओवर ए, ए 1 है तो यही वैल्यू बनती है -3k-7। प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए, सी 5k है, ए 1 है तो ये 5k ही बनेगा। ये दोनों वैल्यूज इधर पुट करनी है। सम की जगह पे लिखेंगे -(-3k-7), 3/2 इंटू प्रोडक्ट की जगह लिखेंगे 5k, ये बना 15k, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हुआ, -2 3k से हुआ -6k बना, -2 -7 से हुआ +14 बना, इधर 15k लिखा हुआ, 14 इधर लिखा रहा, 15k +6k बना, ये -6k उधर जाके +6k हुआ। इधर 14 लिखा हुआ है, 21 आके डिवाइड हुआ, 7 2s are 7 3s are, तो k की वैल्यू बनी 2/3। ये k की वैल्यू बनी क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड k इफ सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज 2। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स, इसमें कंसिडर करना पड़ेगा लेट टू रूट्स और उनको कुछ नाम देना पड़ेगा, कॉमनली अल्फा और बीटा नाम दिया जाता है। लेट टू रूट्स आर अल्फा बीटा। क्वेश्चन में कहा गया कि सम ऑफ स्केयर्स ऑफ रूट्स, कि अगर इन रूट्स के स्केयर्स किए जाएं और फिर इनका सम किया जाए तो वो 2 बनेगा। सम ऑफ किस चीज का सम, स्केयर्स ऑफ रूट्स, रूट्स के जो स्केयर्स हैं उनका सम 2 बनेगा। अब इधर देखना पड़ेगा कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर फाइंड कैसे करेंगे। जब अलग अलग स्केयर लगाओ तो होल स्केयर का फार्मूला लगा दिया जाता है। अलग अलग स्केयर ऐड हो रहा है, ऐड करके होल स्केयर का फार्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर फार्मूला बनता है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू चाहिए तो ये इधर ही लिखा रहेगा, ये चीज़ आके माइनस हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर 2 अल्फा बीटा आके -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये सम ऑफ रूट्स है। अल्फा बीटा क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स होता है -b ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c ओवर ए। बी क्या है, एक्स के साथ 3k है तो ये बी है, साथ माइनस आ गया -b लिख लिया। ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर होता है जो कि 4k है, k से कट हुआ -3/4 बना। अल्फा प्लस बीटा की यानी सम की वैल्यू मिल गई। अब सी ओवर ए,
माइनस एट सी है, ए फोर के है, फोर इससे कटा, माइनस टू ओवर के बचा, ये अल्फा बीटा की वैल्यू है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस थ्री ओवर फोर लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर है। अल्फा बीटा की जगह पे माइनस टू ओवर के लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस टू इंटू माइनस टू बना प्लस फोर ओवर के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वो इधर पुट कर देनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह नाइन ओवर सिक्सटीन प्लस फोर ओवर के लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के बाद टू लिखा हुआ। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं, के की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। लिखा हुआ था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज टू, के जो रूट्स हैं जो कि अल्फा बीटा लेट की, उनके स्क्वायर्स अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर को ऐड करने से टू बनता है। अब इतने हिस्से की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा भी साथ में होता है, तो ये चीज़ इधर लिखे रहने देंगे, ये फार्मूला लिख के टू अल्फा बीटा इधर ला के माइनस करा लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए, वैल्यू फाइंड की इधर पुट की, अल्फा बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, उसकी वैल्यू फाइंड की इधर पुट की, सॉल्व किया इधर तक पहुँचे, ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर दी। इसको अब सॉल्व करना है, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सारी टर्म्स के वो देखते हैं, एक सिक्सटीन है, एक के है, इधर वन है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाने से बनता है सिक्सटीन के, सिक्सटीन के को सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, इससे भी सिक्सटीन के को मल्टीप्लाई करवाते हैं और इससे भी, सिक्सटीन सिक्सटीन से कटा पीछे बचा नाइन के से कटा पीछे बचा सिक्सटी फोर, सिक्सटीन टू जर थर्टी टू, साथ ये के आ गया। सिक्सटी फोर इधर ही लिखा रहा, थर्टी टू के में से नाइन के जाके माइनस हो गया, ये बना ट्वेंटी थ्री के, इधर सिक्सटी फोर लिखा हुआ, के इधर लिखा रहा, ट्वेंटी थ्री आके डिवाइड हो गया, ये वैल्यू बन गई के की सिक्सटी फोर ओवर ट्वेंटी थ्री, ये किसी सेम टेबल में नहीं आते तो इतना लिखा रहेगा, ये के की वैल्यू बन गई। पार्ट नंबर वन था, पार्ट नंबर टू करते हैं क्वेश्चन थ्री का। पार्ट नंबर टू, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज सिक्स, इसमें भी सेम वही बात की है जो पार्ट नंबर वन में की थी, तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे लेट टू रूट्स आर, एक अल्फा है और एक बीटा है। क्वेश्चन में एक आ गया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, के रूट्स के स्क्वायर्स का अगर सम कर दिया जाए तो वो सिक्स बनेगा। अब इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू मिलेगी इधर पुट करेंगे तो के की वैल्यू आएगी, ये अगर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो इसकी वैल्यू मिलेगी, अगर अलग-अलग स्क्वायर लगाओ तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, अलग-अलग क्यूब हो तो होल क्यूब का फार्मूला लगा दें तो उससे वैल्यू मिल जाती है, तो लिखा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू चाहिए तो ये इज इक्वल टू की उसी साइड लिखा रहा, ये टू अल्फा बीटा आके माइनस टू अल्फा बीटा हो जाएगा, इस साइड अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, बस क्या किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस साइड लिख दिया, ये चीज उस साइड लिख दी, टू अल्फा बीटा उठा के इस साइड ले आए, लेकिन लिखा उस साइड है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये चीज बनी। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये सम ऑफ रूट्स है, अल्फा बीटा क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ रूट्स है ये माइनस बी ओवर ए है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी ओवर ए, बी से मुराद एक्स के साथ वाला नंबर माइनस टू के, साथ फार्मूले का माइनस,
ए से मुराद एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर जो कि 1 है, ये बना 2k। सी एवर ए कॉन्स्टेंट सी है ओवर ए 1 है, तो ये 2k+1 बना। ये दोनों वैल्यूज इधर पुट करेंगे तो आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा 2k है इसका होल स्क्वायर, अल्फा बीटा 2k+1 है, ये वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इस वैल्यू को इधर पुट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2k² -2 × 2k+1 इज इक्वल टू 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2k का स्क्वायर 4k² 2 × 2k 4k 2 × 1 -2 इज इक्वल टू 6। 4k² -4k -6 इधर आके -8 बना क्योंकि -2 ऑलरेडी था। इन तीनों में से 4 कॉमन आया, पीछे बचा k² - k -2 इज इक्वल टू 0। अगर कॉमन लेने के बाद दूसरी साइड 0 हो तो वो कॉमन खत्म हो जाता है क्योंकि वो 0 के नीचे डिवाइड होकर 0 हो जाता है। k² - k -2 इज इक्वल टू 0 बना। k² इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए ए बी और सी की वैल्यू सही होती है। के स्केयर के साथ 1 है, के साथ -1 है, कांस्टेंट -2 है, के की वैल्यू बनेगी -b±√b² - 4ac ओवर 2a। -b की जगह -1 आएगा b की जगह पे, +√b की स्केयर की जगह -1 का स्केयर आएगा, -4ac। a 1 है, c -2 है, ओवर 2 × 1। 1±√1+8 ओवर 2। k इज इक्वल्स टू 1±√9/2। k इज इक्वल टू 1±3/2। इधर से आगे दो वैल्यूज लिखेंगे, एक में k इज इक्वल टू 1+3/2 हो रहा होगा, एक में 1-3/2 हो रहा होगा क्योंकि इधर प्लस माइनस लिखा हुआ, एक में प्लस लिख लिया एक में माइनस। इधर से बना -2/2 इज इक्वल टू -1। इधर से k की वैल्यू बनी 4/2 इज इक्वल टू 2। एक वैल्यू 2 आई, एक वैल्यू -1 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - x+p² इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर p की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसकी जो रूट्स हैं उनमें डिफरेंस यूनिटी का है, यानी अगर कंसिडर करें, लेट करें कि रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, इसकी जो दो रूट्स आएंगी वो अल्फा और बीटा होंगी। दो ही रूट्स क्यों ली, तीन क्यों नहीं ली, चार क्यों नहीं ली, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 हो, और जितनी सबसे बड़ी पावर होती है उसे डिग्री कहा जाता है। जितनी डिग्री होती है उतनी ही रूट्स होती हैं, इसकी डिग्री 2 है तो दो ही रूट्स आएंगी, उन दो रूट्स को अल्फा और बीटा कह लिया। रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, उनमें फ़र्क यूनिटी का है, यानी एक में से दूसरी माइनस करेंगे तो यूनिटी आएगा यानी 1 आएगा, यानी अल्फा माइनस बीटा 1 है। अब अल्फा माइनस बीटा 1 है
ये एक हिंट दे दी, वो इक्वेशन दे दी, इससे अल्फा और बीटा की पी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। एक चीज का हमें पता है कि रूट्स को अगर ऐड करें यानी सम, सम यानी अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। बी से मुराद एक्स के साथ वाला नंबर होता है, एक्स के साथ माइनस वन है, बी की जगह पे माइनस वन लिखेंगे, नीचे ए है, ए से मुराद एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर है जो कि वन है, माइनस इनटू माइनस प्लस बना, साथ वन आया, नीचे वाला वन लिखें या ना लिखें वन आंसर आता है इसका। दूसरी चीज प्रोडक्ट है, यानी अल्फा बीटा रूट्स का प्रोडक्ट, ये होता है सी ओवर ए। सी से मुराद एंड वाला नंबर जो कि पी स्क्वायर है, और ए से मुराद एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर जो कि वन है, ये बना पी स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन ये बनी, तीसरी इक्वेशन ये बनी। पहली में क्या कहा गया कि अल्फा माइनस बीटा वन के इक्वल है, दूसरी में कहा गया अल्फा प्लस बीटा भी वन के इक्वल है, तीसरी में कहा गया कि अल्फा बीटा पी स्क्वायर के इक्वल है। सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वन और टू को, इनसे अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे, वो इधर पुट करेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट करने से पी की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं इक्वेशन वन और टू को। अल्फा बीटा पी स्क्वायर के इक्वल है, ये तीसरी इक्वेशन है, इसे साइड पे लिख लेते हैं। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। अल्फा प्लस बीटा भी वन के इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा भी वन के इक्वल है, इसके नीचे लाइन लगाई, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाले हैं। प्लस बीटा माइनस बीटा कटेगा, अल्फा अल्फा ऐड होके टू अल्फा बनेगा, वन और वन ऐड होके टू बनेंगे, टू अल्फा टू के इक्वल है तो अल्फा की वैल्यू के लिए ये टू जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बना वन, अल्फा की वैल्यू वन बनी। किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, लिख देंगे पुट इन वन, वन में पुट कर देते हैं, ये वन, अल्फा की जगह पे वन लिखेंगे, माइनस बीटा इज इक्वल्स टू वन, माइनस बीटा इधर ही लिखा रहेगा, ये वन जाके माइनस वन हो गया, तो माइनस बीटा की वैल्यू बनी जीरो, तो बीटा की वैल्यू भी जीरो ही बनी, बीटा जीरो आ गया, अल्फा वन आ गया, इन दोनों को पुट कर देना है थ्री में, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन थ्री, इधर इक्वेशन थ्री लिखते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, अल्फा की जगह पे वन आ जाएगा, बीटा की जगह पे जीरो आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, वन इंटू जीरो बना जीरो, पी स्केयर जीरो है तो पी भी जीरो के इक्वल होगा। ये पी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड की क्वेश्चन फोर के पार्ट वन में। क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर टू, फाइंड पी इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो डिफर बाय टू, यानी जो रूट्स हैं इस इक्वेशन की उनमें दो का फर्क है, तो पी की वैल्यू फाइंड कर दें। स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे लेट रूट्स आर, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, ये लेट किया। अब चूंकि बता दिया क्वेश्चन में कि रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय टू, कि उन दोनों में फर्क टू का है, यानी अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा टू है,
तो लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू। अगर बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू टू लिखते हैं तब भी पी की वैल्यू बिल्कुल ठीक आएगी, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो मैंने अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू लिख लिया। इसे फर्स्ट इक्वेशन कह लेंगे, ये इक्वेशन नंबर वन है, इसे इधर लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू, इक्वेशन वन। अब जो सम ऑफ रूट्स होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं सम ऑफ रूट्स जो कि अल्फा प्लस बीटा होगा, ये होता है माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि अल्फा बीटा होता है ये होता है सी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए, बी से मुराद एक्स के साथ वाला नंबर, तो माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्वायर के साथ वन, वन ए होता है वन लिखा, तो ये माइनस थ्री वन, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री है, ये इक्वेशन टू होगी। इक्वेशन टू इधर लिख ली। अब सी ओवर ए, सी से मुराद आखिरी नंबर पी, ए से मुराद एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर जो कि वन है, ये पी बना, यानी अल्फा बीटा पी बनेगा, ये इक्वेशन थ्री आ गई। इन तीन इक्वेशंस को यूज करके पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। करेंगे ये कि पहली और दूसरी इक्वेशन में से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, इधर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई होके पी की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं एडिंग वन एंड टू, वन और टू को ऐड करवाने से अल्फा और बीटा की वैल्यूज आने आएंगी। एडिंग वन एंड टू, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री। माइनस बीटा प्लस बीटा कटेंगे, अल्फा और अल्फा ऐड होके टू अल्फा बनेंगे, टू माइनस थ्री माइनस वन बनेगा, अल्फा इधर लिखा रहेगा, टू जाके डिवाइड होगा, माइनस वन बाई टू बना, अल्फा माइनस वन बाई टू आ गया। अब बीटा फाइंड करना है, बीटा के लिए अल्फा की इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वन में या टू में। लिखेंगे पुट इन, टू में पुट कर देते हैं, अल्फा की जगह पे लिखा माइनस वन बाई टू, आगे प्लस बीटा लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे माइनस थ्री लिखा हुआ है, अल्फा की वैल्यू माइनस वन बाई टू है। इससे आगे बी बीटा इधर लिखा रहेगा माइनस थ्री, ये माइनस वन बाई टू इस साइड आके प्लस वन बाई टू हो जाएगा, इन दोनों को एलसीएम करेंगे ये बनेगा माइनस सिक्स प्लस वन बाई टू, माइनस फाइव बाई टू बना, ये बीटा की वैल्यू बनी माइनस फाइव बाई टू। अब हमें पी की वैल्यू चाहिए, पी किसके बराबर है, अल्फा बीटा के प्रोडक्ट के, अल्फा बीटा के प्रोडक्ट के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यूज का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। लिखेंगे पुट अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे, अल्फा की जगह पे पहले इक्वेशन थ्री लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी, अल्फा की जगह पे माइनस वन बाई टू, बीटा की जगह पे माइनस फाइव बाई टू, ये पी के इक्वल है, माइनस और माइनस कटे, वन फाइव से मल्टीप्लाई हुआ फाइव, टू टू से मल्टीप्लाई हुआ फोर, पी की वैल्यू फाइव बाई फोर आ गई। ये पार्ट टू था क्वेश्चन नंबर फोर का। क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट नंबर वन, फाइंड एम इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस सेटिस्फाई रिलेशन दिस, कि इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा
अगर उनको इस इक्वेशन में लिखा जाए 3 अल्फा प्लस 2 बीटा तो वो 4 बनती हैं। यानी ये एक इक्वेशन दे दी क्वेश्चन में, खुद एक इक्वेशन क्वेश्चन में दे दी गई, तो लिखेंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इजिकल्स टू 4, ये इक्वेशन 1 है। दो और इक्वेशन हम खुद बनाएंगे, एक होगी सम के बारे में, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा के बारे में, एक होगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा के बारे में। सम ऑफ रूट्स को माइनस बी ओवर ए लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए होता है। माइनस बी ओवर ए मतलब जो एक्स के साथ नंबर है उसका नेगेटिव, एक्स के साथ -7 था उसका नेगेटिव, नीचे ए यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर। सी ओवर ए मतलब जो कांस्टेंट है जिसमें एक्स ना इन्वॉल्व हो, 3m-5 में एक्स नहीं इन्वॉल्व, 3m-5, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर ए यानी 1। तो ये बना 7 और ये बना 3m-5। तो दो और इक्वेशन आई, एक आई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2 आ गई, और एक और इक्वेशन आई कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होके इज इक्वल टू 3m-5, ये इक्वेशन 3 है। एम की वैल्यू चाहिए, एम सिर्फ इस इक्वेशन में, इन दोनों में एम नहीं है। यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू लेके इधर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई होंगी तो एम की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने से। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। करेंगे ये कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से, ताकि कोफिशेंट्स इक्वल होते हैं, या 3 अल्फा 3 अल्फा आ जाए या फिर 2 बीटा 2 बीटा आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, तो हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी, अल्फा भी बीटा भी और 7 भी, ये बना, इसे इक्वेशन 4 कह लेते हैं, 1 2 3, ये 4। अब करना ये है कि 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 4। 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऊपर नीचे लिखेंगे, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 लिख ली। अब इक्वेशन 4 लिखते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 14। किसी एक के साइंस बदल देने हैं तभी ये सब्ट्रैक्ट होंगे, नीचे वाले के साइंस बदल दें, प्लस था माइनस किया, प्लस था माइनस किया, प्लस था माइनस किया, 4 -14 बना -10, 2 बीटा -2 बीटा खत्म हो गया, 3 अल्फा -2 अल्फा अल्फा बचा, तो अल्फा की वैल्यू बनी -10। अल्फा की ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे 1 या 2 में से, टू में पुट करते हैं, पुट अल्फा इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 है, अल्फा की जगह -10 लिखा, ये -10 उधर जाके +10 हो गया, तो बीटा की वैल्यू बनी 17, बीटा आ गया 17। अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी थी वो फाइंड की, अब इनको पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, पुट अल्फा बीटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 पर लिखते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5, अल्फा की जगह पे -10, बीटा की जगह पे 17, इस साइड 3m-5, 3m-5 इक्वल बना -170 के, ये -5 इधर आके बना +5, -170 +5,
तो ये बना -165। m की वैल्यू चाहिए तो m के साथ जो 3 लिखा है वो आके डिवाइड हो जाएगा, 3 आके डिवाइड हो गया, -165/3 बनता है -55। m की वैल्यू बनी -55। ये हम फाइंड करना था। एक दफ़ा इस क्वेश्चन का ओवरव्यू करें तो ये इक्वेशन थी, इसके सम और प्रोडक्ट की दो इक्वेशन हमने बना ली, तीसरी क्वेश्चन उन्होंने खुद दे दी थी वो भी लिख ली। ऊपर वाली दो जिनमें एम नहीं मौजूद, उन दोनों से अल्फा बीटा फाइंड किया, एम वाली क्वेश्चन में पुट किया, एम की वैल्यू आ गई। ये पार्ट वन था क्वेश्चन फाइव का। क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर थ्री, फाइंड एम इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस सेटिस्फाई रिलेशन दिस। ये जो रिलेशन है वो इक्वेशन वन होती है, वो लिख लिया हमने। दो और इक्वेशन हम बनाने वाले हैं, वो कैसे बनेंगी? एक बनेगी सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा, तो उनका सम रूट्स अल्फा और बीटा, सम अल्फा प्लस बीटा बना। एक बनेगी प्रोडक्ट, यानी अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करने से। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस एक्स के साथ वाला नंबर जो कि -2 है, ओवर एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर जो कि 3 है। अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है कांस्टेंट जो कि 7m+2 है, कांस्टेंट मतलब जिसमें एक्स ना आ रहा हो, ओवर एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर 3। यानी ये लिखा -b, b एक्स के साथ वाला नंबर, ओवर a एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर, इधर c कांस्टेंट ओवर a। तो अल्फा प्लस बीटा बना 2/3, और ये तो इसी तरह रहेगा, अल्फा बीटा यही बना रहा। दो और इक्वेशन आई, एक आई अल्फा प्लस बीटा 2/3 है, इक्वेशन टू कहते हैं इसे, और अल्फा बीटा 7m+2/3 है, ये इक्वेशन 3 आई। इन दो इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करने से एम की वैल्यू मिल जाएगी। यानी क्या करना है, वन और टू को पहले सॉल्व करना है, उधर से अल्फा और बीटा की वैल्यूज आएंगी। इधर अल्फा का कॉफिशियंट 1 है, इधर 7 है, इधर बीटा का कॉफिशियंट 1 है, इधर -3 है। सेम करना पड़ेगा कहीं पे, या इधर भी 3 कर लें या इधर भी 7 कर लें। इधर 3 करने की कोशिश करते हैं। दो तरीके हैं, एक तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करा दें, दूसरा ये जो डिनोमिनेटर 3 है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए। सबको 3 से करवाते हैं, डिनोमिनेटर खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, इक्वेशन टू को 3 से मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। पहली टर्म भी होगी, दूसरी भी, तीसरी भी। पहली टर्म हुई तो 3 अल्फा बना, दूसरी टर्म हुई तो 3 बीटा बना, तीसरी टर्म हुई तो 2 बना। जो 3 मल्टीप्लाई होना था वो नीचे वाले 3 से कटा तो 2 बना। इसे इक्वेशन 4 कह रखे हैं। इससे निकली हुई इक्वेशन है ये। अब क्या करना है, 1 और 4 को ऐड करना है, ऐड 1 एंड 4। 1 लिखी 7α-3β=18, 4 लिखी 3α+3β=2। इन दोनों को ऐड करना है, 7α और 3α ऐड होके 10α बने, -3β+3β ऐड होके खत्म हो गए। उल्टे साइंस से 18 और 2 ऐड होके 20 बने, तो अल्फा की वैल्यू बनेगी, ये 10 जाके डिवाइड होगा 2, तो अल्फा की वैल्यू बनी 2। ये इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में पुट करने से बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसे पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, पुट α=2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पहले लिखते हैं, α+β=2/3, अल्फा की जगह पर 2 लिखते हैं, ये 2 इधर जाके -2 हो जाएगा, इधर बीटा बचा। इन दोनों का एलसीएम हुआ बना 2-6/3, ये बना -4/3, तो बीटा की वैल्यू क्या बनी, -4/3।
ये अल्फा ये बीटा इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे, पुट अल्फा कॉमा बीटा इन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री पहले लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सेवन एम प्लस टू बाय थ्री, अल्फा की जगह पे लिखा टू, बीटा की जगह पे लिखा माइनस फोर बाय थ्री, इस साइड सेवन एम प्लस टू बाय थ्री है, ये बना माइनस एट ओवर थ्री, इधर बना सेवन एम प्लस टू ओवर थ्री। पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर थ्री है, पूरी की पूरी राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर थ्री है, तो काट सकते हैं। अगर पूरी की पूरी राइट साइड पे ना होता, सिर्फ सेवन एम के नीचे होता या सिर्फ टू के नीचे होता तब नहीं कट सकता था, पूरी की पूरी लेफ्ट साइड पे या पूरी की पूरी राइट साइड पे तब कट सकता है। तो इस साइड बना माइनस एट, इधर बना सेवन एम प्लस टू, ये टू जाके माइनस टू हुआ, बना सेवन एम इजिकल्स टू माइनस टेन, सेवन जाके डिवाइड हुआ माइनस टेन के नीचे, तो माइनस टेन बाय सेवन एम की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू बनी माइनस टेन बाय सेवन। ये आंसर है पार्ट नंबर थ्री का क्वेश्चन फाइव के। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू लैम्डा। यानी जो इक्वेशन दी गई है इसकी जो रूट्स का सम है वो लैम्डा के इक्वल है और जो प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा के इक्वल है। अगर सम भी लैम्डा के इक्वल है, प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है, तो दोनों के दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर सम जो कि अल्फा प्लस बीटा है ये लैम्डा के इक्वल है, और प्रोडक्ट जो कि अल्फा बीटा है ये भी लैम्डा के इक्वल है, तो सम और प्रोडक्ट आपस में भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर अगर दूसरे के इक्वल है और तीसरा नंबर भी दूसरे के इक्वल है तो पहला और तीसरा आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपस में इक्वल है, ये बात पता चली इससे। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या है वो इस इक्वेशन से पता चलेगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा होता है सी ओवर ए। बी से मुराद एक्स के साथ वाला नंबर, सेवन एम माइनस फाइव विद प्लस साइन, सेवन एम माइनस फाइव बनता है ये बी आ गया, साथ माइनस लगा हुआ है तो लगा दिया। एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ टू एम प्लस थ्री लिखा हुआ, तो नीचे आ गया टू एम प्लस थ्री। अब अल्फा बीटा सी ओवर ए है, सी ये वाला नंबर है थ्री एम माइनस टेन, नीचे ए, ए क्या था टू एम प्लस थ्री था। तो ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा है, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में इक्वल है, इसे वन कहते हैं, इसे टू कहते हैं। लिखेंगे इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, रीजन भी बताएंगे, बिकॉज ये तीन साइन, ये तीन डॉट्स लगते हैं सिंस या बिकॉज के लिए। बिकॉज बोथ इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल हैं लैम्डा के, तो क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल लिख देंगे। माइनस सेवन एम माइनस फाइव ओवर टू एम प्लस थ्री, और थ्री एम माइनस टेन ओवर टू एम प्लस थ्री, इन दोनों को इक्वल लिख दिया। क्यों लिखा उसकी रीजन इधर बता दी हमने, क्योंकि दोनों के दोनों लैम्डा के इक्वल हैं। इस साइड पे डिनोमिनेटर टू एम प्लस थ्री है, इस साइड पे भी डिनोमिनेटर टू एम प्लस थ्री है, ये कट जाएगा, तो इधर बचा थ्री एम माइनस टेन, इधर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके बना माइनस सेवन एम प्लस फाइव, ये थ्री एम इधर आके माइनस थ्री एम हो जाएगा, ये फाइव इधर जाके माइनस फाइव हो जाएगा, इधर माइनस सेवन एम पहले से लिखा हुआ, माइनस सेवन एम माइनस थ्री एम बना माइनस टेन एम, ये बना माइनस फिफ्टीन,
दोनों साइड पे माइनस है, कट गया। पूरी की पूरी लेफ्ट साइड पे माइनस है, पूरी की पूरी राइट साइड पे माइनस, तब कटा। दो नंबर जो उनमें से एक के साथ हो तब नहीं कटता। एक ही नंबर इधर था, एक ही नंबर इधर था, दोनों के साथ माइनस था तब कटा। 10m और 15 है, m इधर लिखा था, ये 10 जाके डिवाइड हो गया, ये बना 3/2। तो m की वैल्यू आ गई 3/2। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 था। क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2 सेम एज इट इज है। एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। इसके 6 क्वेश्चन थे, वो किए हमने।